बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस बुक का। 1/(1 - 10x) है, आप ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/(इंटीग्रेशन है 1 - 10x), 1 - 10x को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? sin x / cos x। जब आप ये थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, अभी मैंने पहले भी किया था ऐसे ही क्वेश्चन, तो ये निकल के आएगा cos x - sin x / cos x। हमने इसका एलसीएम ले लिया। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इसको यदि आप और सॉल्व करते हो तो वैल्यू आएगी cos x / sin x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पुराना तरीका, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। जब आप अपने आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हो तो ये क्वेश्चन आएगा 2 cos x, 1/2 तो बाहर है, आप इसे सॉल्व करते हो तो ये आएगा cos x - sin x। जब 2 cos x / cos x - sin x है तो इसे आगे सॉल्व करने के लिए अपने पास से sin x प्लस कीजिए, अपने पास से sin x माइनस कर दीजिए। स्टेप लर्न का है, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो 1/2 अलग हुआ बच्चों, वैल्यू क्या है? 2 cos x। आप इसे लिख सकते हो cos x + cos x + sin x - sin x। यदि अपॉन की बात करें तो अपॉन में हमारे पास है cos x - sin x। यदि आप इसे और सॉल्व करते हो तो ये आएगा 1/2 cos x + sin x है, तो आप इसे लिखिए cos x - sin x अपॉन cos x - sin x, प्लस कीजिए बेटा cos x + sin x अपॉन cos x - sin x। यदि आप इसे और सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में क्या है, cos x - sin x से कैंसिल हो जाएगा। यदि आप इसे कैंसिल करते हो तो ये आएगा 1/2 बन, प्लस में दे रखा है यहाँ पर, इंटीग्रेशन है cos x + sin x अपॉन cos x - sin x। यदि आप इसे और सॉल्व करते हो तो 1/2 है, 1 है, तो इसके इंटीग्रेशन क्या होगा, x/2 प्लस cos x + sin x को सॉल्व करने के लिए आपको इसको cos x - sin x को टी लेट करना पड़ेगा। cos x - sin x को टी लेट करा, cos x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? -sin x, और sin x की वैल्यू क्या होगी? cos x = dt/dx। यदि आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा -sin x + cos x = dt/dx। यदि आप इसे और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? sin x cos x = -dt। तो cos x + sin x की वैल्यू क्या निकल के आई? -dt/t + c। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी x/2 - dt/t, क्या होगा बेटा? log t + c। तो वैल्यू हो गई x/2 - log t + c। और t की वैल्यू क्या थी मेरे बच्चों? t की वैल्यू आपने लेट करी हुई थी cos x - sin x। तो x/2 - log cos x - sin x + c। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा √10x sin x और cos x। देखिए लर्न तो आपको इसमें भी करना पड़ेगा, यहाँ पर √10x और sin x cos x की बात करता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ लिखिए √10x/sin x cos x। आप इस फंक्शन को cos x से डिवाइड और cos x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको ऐसे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है √10x sin/cos आता है 10x, और cos x की वैल्यू होती है cos²x। जब cos²x को आप सॉल्व करते हो, और यहाँ √10x है, आपने सबने पढ़ रखा है कि भाई 10x को √10x और √10x लिख सकते हैं, क्योंकि √2 बराबर जो होता है वो होता है √2√2। जब 2 बराबर √2√2 होता है, उसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू क्या है? √10x 10x
बड़ा ही सीधा और सिंपल स्टेप, रूट टेन एक्स लिखा, अपॉन में मैंने रूट टेन एक्स और टेन एक्स लिख दिया, क्योंकि ये फॉर्मूले के थ्रू ऐसा हो सकता है। यहाँ पर नीचे दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस के यदि मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। रूट टेन एक्स से मैं टू टेन एक्स काट सकता हूँ तो वैल्यू निकल के आएगी सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट टेन एक्स। यदि आप टेन एक्स को और सॉल्व करें तो आप कह सकते हैं कि भाई टेन एक्स की वैल्यू क्या है, मैं टेन एक्स को टी मान लूँगा। यदि टेन एक्स टी है तो टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, और सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी टी। तो सेक स्क्वायर डी एक्स है मेरे पास फंक्शन अब की बार, और मैं इसमें क्या करूँगा, वैल्यू पुट करूँगा। तो सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी निकल के, भाई सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू डी टी है, टेन रूट एक्स था उसको क्या आप क्या लिखोगे, टी। सॉल्व करोगे टी की पावर माइनस वन बाय टू, यदि टी की पावर माइनस वन बाय टू खोलते हैं तो टी की पावर माइनस वन बाय टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाय टू प्लस वन। यदि आप इसे और खोलेंगे तो ये आएगा टी की पावर वन बाय टू टू प्लस सी। और बेटा जी टी की वैल्यू क्या निकल के आई, टी की वैल्यू है टेन एक्स, तो आप टी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, टू रूट टेन एक्स प्लस सी। इस क्वेश्चन के बाद बहुत इजी क्वेश्चन बचता है, वन प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। तो ये तो क्वेश्चन में अब सब बच्चे बिल्कुल इंटेलिजेंट हो चुके ही हैं। वन प्लस लॉग एक्स को बच्चे बोलेंगे हमारे टी लेते हैं सर, फिर बोलते हैं कि लॉग एक्स है, लॉग एक्स का तो भाई अभी कर देते हैं, वन अपॉन एक्स आएगा, वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, डी टी। मैंने डायरेक्ट लिखा है डी टी अपॉन डी एक्स होता है, वहाँ पर जाता है। अब मैं अपने बच्चों से इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ, यदि यहाँ सॉल्व किया जाए तो वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी टी। तो वन अपॉन प्लस लॉग एक्स की वैल्यू क्या है, टी, टी स्क्वायर वैल्यू क्या आती है, डी टी। टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यदि बात की जाए टी स्क्वायर की वैल्यू होगी टी क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी। और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टी, यदि आप टी की बात करें तो वन प्लस लॉग एक्स ऑफ स्क्वायर, सॉरी ऑफ क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी। सेम एज स्टूडेंट्स ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए पहला तरीका, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को सेपरेट कीजिए। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर गिवन है एक्स प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। कई बच्चों के मन में आता है कि दोनों के नीचे नहीं क्यों नहीं गया, यदि ए बी के नीचे सी है ऊपर ए प्लस बी है तो इसे लिख सकते हैं ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। यदि आप इसे सॉल्व करते हैं तो एक्स से यदि आप एक्स कैंसिल करोगे तो वैल्यू आएगी वन प्लस वन अपॉन एक्स, और यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास है वो है एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर। आप लोगों को करना क्या है, एक्स प्लस लॉग एक्स को आप टी मान लीजिए, एक्स की वैल्यू बनाएगी लॉग एक्स की वैल्यू वन अपॉन एक्स आएगी, और यहाँ पर आएगी डी टी अपॉन डी एक्स। वन प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू जो निकल के आई है वो डी टी निकल के आई है, और एक्स प्लस वन लॉग एक्स क्या है, टी, क्या लिख देंगे, टी स्क्वायर। यदि आप टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी। और अभी आपने देखा कि टी को क्या माना गया था, टी था एक्स प्लस लॉग एक्स, तो आप टी को क्या लिखेंगे, एक्स प्लस लॉग एक्स रेज द पावर क्यूब प्लस सी। बेटा लास्ट क्वेश्चन हमारी बुक का, एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर और वन प्लस एक्स की पावर एट। करने का तरीका फिर से वही, मैं यहाँ पर क्या लूँगा, टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर को टी लेट करूँगा। यदि टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर को टी लेते हैं तो टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर की वैल्यू आएगी वन प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, जो कि मेरी वैल्यू आएगी वन प्लस एक्स की पावर एट।
इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। यदि मैं बात करूँ तो वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8, 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्वेश्चन में निकालिए, ये रहा 1 अपॉन x की पावर 8, x की पावर 4, मैंने इसको सेपरेट किया। जब मैंने इसको सेपरेट किया, इसके साथ में यदि मैं x की पावर 4 की बात करूं तो अभी इसका डिफरेंशिएशन भी होगा। यदि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आएगा 4x³, ये आएगा 4x³। तो मेरे पास फंक्शन में क्या आया, x³ डी एक्स 1 प्लस x की पावर 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 डी टी। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 4 डी टी। तो मैं यहाँ पे 1 अपॉन 4 डी टी लिख दूंगा और एक्स क्यूब को भी यहाँ से गैप कर दूंगा। तो मेरे पास फंक्शन में क्या बचेगा, साइन टी। सेम एज यदि साइन टी की बात करें, साइन टी क्या होगा, 1 अपॉन 4 बाहर, साइन टी की टी टी की रिस्पेक्ट में साइन टी की वैल्यू क्या होगी, साइन टी होगा मेरे बच्चों कॉस टी। तो कॉस टी अपॉन 4 प्लस में क्या आ गया, सी। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.3 एक्सरसाइज को पढ़ेंगे।